किसी ने क्या खूब कहा है, किसी का भला हो तो नेकी कर देना चाहिए, ईश्वर धन दे तो गरीबों की झोली भर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बांटने और बटोरने में क्या अंतर है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सुनते हैं ये स्टोरी। एक बार एक संत ने अपने दो भक्तों को बुलाया और कहा, आपको यहां से 50 कोस दूर जाना है। एक भक्त को एक बोरी खाने का सामान से भर के दिया और कहा, जो लायक मिले उसे देते जाना, यानी रास्ते में जो भी मिले, अगर तुमको लगता है कि वह भूखा है या उसे खाने की जरूरत है, उसे इस बोरी में से खाना निकाल कर देते रहना। दूसरे भक्त को एक खाली बोरा दिया और उस भक्त को कहा कि रास्ते में उसे जो भी अच्छी चीज मिले उसे इस बोरी में भर कर लेना और मेरे पास ले आना। दोनों निकल पड़े। जिसके कंधे पर सामान था, यानी जिसके बोरी में खाने का सामान था, वह काफी धीरे धीरे चल पा रहा था क्योंकि उसकी बोरी काफी भारी थी, और दूसरा जो भक्त था जिसकी बोरी खाली थी वह बहुत ही आराम से चल रहा था और मजे में चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खाली बोरी वाले भक्त को एक सोने की ईंट मिली और ईंट सोने की होने की वजह से भक्त को लगा कि यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और अच्छा सामान है। उसने उसे बोरी में डाल दिया। थोड़ी दूर और चला तो फिर उसे एक और सोने की ईंट मिली। उसने उसे भी उठा लिया और अपने बोरी में डाल लिया। वह जैसे जैसे आगे चलता गया उसे सोने का ईंट मिलती गई और वह बोरी में भरता हुआ चला गया। और एक समय ऐसा आया कि जब बोरी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया तो वह उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। उसका चलना मुश्किल होता जा रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। और दूसरा भक्त जैसे जैसे आगे चलता गया रास्ते में जो भी मिलता उसे बोरी में से खाने का सामान देता गया। धीरे धीरे बोरी का वजन कम होता गया और उसका चलना भी आसान हो गया। जो भक्त अपने बोरी में से निकाल कर खाने का सामान बांटता गया उसका मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। और दूसरा भक्त जो खाली बोरी के साथ चला था, सोने की ईंट मिलती गई जिसे बोरी में भरता गया, जिसके कारण उसका चलना मुश्किल हुआ। धीरे धीरे बोरी का वजन इतना ज्यादा हुआ कि उसे कंधे पर रखकर चलते चलते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में जो बोरी है वह अपना जीवन है। इसमें काम क्रोध मद लोभ आदि चीजें हम इकट्ठा करते रहेंगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यदि दया परोपकार सहायता खुशियां आदि ऐसी चीजें देते चलेंगे तो जिंदगी आराम से बीत जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बटोरने से ज्यादा बांटने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर जीवन का सफर तय करते समय हमेशा इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे तो परेशानी चिंता आदि से ग्रस्त हो जाएंगे और जीवन का आनंद वह आराम से नहीं बीतेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी में जो हमें सीख मिलती है उस सीख को लेते हुए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग के साथ दिन की करें शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।